नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं प्याज क्यों काट रही हूँ। तो दोस्तों, आज जो जिस समस्या का समाधान मैं करने जा रही हूँ वो इसी प्याज से मैं करूँगी, इसलिए आपको ये प्याज दिख रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में, यानी कि GUST में। दोस्तों देखिए, इस प्याज को हमने छील लिया है और इसे काट लिया है। तो इस प्याज को हमें ऐसे किसी भी तरह से आराम से काट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पतले काटने हैं, बहुत मोटे काटने हैं, मतलब रफली आपको जैसे भी काटना है प्याज को काट लेना है। दोस्तों, गंजेपन की समस्या कब आ जाती है? गंजेपन की समस्या तब आती है जब आपके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक। तो जब बहुत बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो पहले ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाल हमारे झड़ क्यों रहे हैं और उन्हें क्यों ना स्टॉप कर दिया जाए उसी वक्त। तो दोस्तों, हमें पानी रखना है इस तरह से। 2 ग्लास मैंने पानी रखा है और 2 ग्लास पानी में मैं एक बड़ा कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और गैस मैंने ऑन कर दिया और इसको अब हम उबालेंगे अच्छी तरीके से, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए, तो दोस्तों मैं आपको ये बता रही थी कि आपके गंजेपन का होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बालों का झड़ना। तो जब भी आपको लगे कि आपके बाल आवश्यकता से अधिक झड़ने लगे हैं, उसी वक्त आपको अपने बाल झड़ने से रोकने हैं। नहीं तो अगर आप नहीं रोकेंगे उसी वक्त, तो यही बाल धीरे धीरे पूरे सर से निकल जाएंगे और नए बाल उसकी जगह पे नहीं आएंगे, जिससे आपको गंजापन हो जाएगा। गंजेपन को दूर करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है ये प्याज। लेकिन दोस्तों, प्याज के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये री हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? कई सारे लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उनको अच्छा बेनिफिट, अच्छा लाभ प्याज का नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बता रही हूँ, जिससे आपको हेयर रीग्रोथ में पूरा का पूरा प्याज का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, उसका रिजल्ट पूरा 100% पाने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि पहले अच्छी तरह से ये जानना कि इसका यूज हमें कैसे करना है, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो ये अगर जान लिए तो जो भी रेमेडी, जो भी घरेलू उपाय आप करेंगे उसका 100% फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, प्याज का कलर कैसे चेंज होता रह रहा है। पहले प्याज का कलर आपने देखा होगा और अभी प्याज का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल डार्क गुलाबी कलर में ये बदल गया है, जैसे जैसे इसमें हीट ज़्यादा इसको मिल रही है। दोस्तों, प्याज में सल्फर नामक तत्व पाया जाता है जो कि कोलेजन को प्रोड्यूस करने में काफ़ी सहायता करता है। और कोलेजन क्या करता है दोस्तों? हमारे बालों को ग्रोथ में सहायता करता है। उसी से हमें हमारे जो सर में बाल झड़ जाते हैं, उसकी जगह नए बाल नहीं उगते, तो नए बालों को उगाने के लिए कोलेजन ही काम करता है। तो कोलेजन का होना हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है, खास करके त्वचा और अपने बालों के लिए। दोस्तों, प्याज हमारे बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसका अगर हम यूज करते हैं रेगुलरली तो हमारे बाल जड़ से भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके से आपके बालों में चमक भी आएगी। आप देखेंगे कुछ इस्तेमाल के बाद कि आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही बदल जाएगा। आपके बाल जो पहले डल दिख रहे थे वो अब बिल्कुल ही शाइनिंग, यानी कि चमकदार आपको दिखने लगेंगे। बहुत ही विजुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा प्याज अब उबाल आने लगा है और इसको इसी तरीके से कम आपको उबालना है 5 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको उबालेंगे 5 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम हीट करके। मीडियम हीट पे आपको 5 मिनट तक इसमें उबाल आने देना है और अच्छी तरह से उबाल आने दे, ताकि प्याज का सारा रस है वो हमारे इस पानी के अंदर चला जाए
और इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों घंटी का बटन आएगा तो उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आप नहीं दबाएंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेगी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो दोस्तों घंटी का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच कलौंजी, जो ब्लैक कलर की होती है कलौंजी, वो जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, ये हमारे बालों को काला भी करता है। तो दोस्तों देखिए कलौंजी डाल दिया है और मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक उबाला और गैस को बंद कर दिया। अब इसे दोस्तों छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरह से हमारा पानी ठंडा हो जाएगा तब हम इस पानी को छन्नी से छान लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिले तो आपको शैम्पू करने के बाद इस पानी से, ये 1 ग्लास बचे हुए पानी से, अपने पूरे बालों को अच्छी तरह से धो देना है शैम्पू करने के बाद दोस्तों। लेकिन अगर आपको प्याज की बदबू बर्दाश्त नहीं होती है तो आप इस पानी को पूरे सर पे डालें, 5 मिनट के लिए आप मसाज करें और उसके बाद आप शैम्पू से धो लें। दोस्तों दो तरीके मैंने बताए आपको प्याज का ये जो रस है, जो पानी है, इसका इस्तेमाल करने का। जो भी आप तरीका अच्छा समझें उस तरीके से आप इस प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।